कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। दो दिन पहले राज्य परिषद की बैठक थी जिसमें बिहार से हर ज़िले से लोग पहुंचे हुए थे। इस बैठक में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में और राजद कार्यालय के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है राजद कार्यालय के बाहर में। ये गंदगी आज से नहीं, बीते दो दिनों से ये गंदगी जो है राजद कार्यालय में फैली हुई है। काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बदबू मार रहा है। ये आपको बता दें कि दो दिन पहले राज्य परिषद की बैठक थी जिसको लेकर ये खाना वाना का व्यवस्था था और उस दिन से अभी तक ये गंदगी फैली हुई है। सामने राजद कार्यालय है, आपको बता दें कि अब महागठबंधन में आ चुकी है सरकार और दूसरी तरफ आप देख लें गंदगी ही गंदगी आपको नज़र आएगी। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती है सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर हमेशा बात होती रहती है, सफाई को लेकर बात होती रहती है और पार्टी ऑफिस के सामने ही इस तरह की गंदगी बहुत बड़ा मायने रखती है। आप देख लें एक बार फिर नज़ारा क्या हाल है। दो दिनों से गंदगी यहीं मौजूद है, कप प्लेट सब चीज़ जो है यहीं मौजूद है, मगर अभी तक ना ही इसे साफ़ किया गया है और ना ही जो है किसी ने इसको साफ़ करने का सोचा भी है। अब बारिश का माहौल बन रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, जब बारिश होगी तो ये और ज़्यादा बदबू इसमें फैलेगा। हालांकि ना ही नगर निगम के द्वारा साफ़ किया गया है इसको और ना ही अंदर से पार्टी ऑफिस के द्वारा किसी सफाईकर्मी को बुला के साफ़ करवाया गया है। अभी भी देख लें राजद जो है पूरी तरह से सजा हुआ है, अभी भी मालाएं राजद के गेट पे लटक रही हैं, मगर उसके जस्ट सामने का आपको हमने नज़ारा दिखाया किस तरह से गंदगी राजद के बाहर फैली हुई है। अब देखना यह है कि ये गंदगी कब तक साफ़ होगी, क्योंकि पार्टी ऑफिस के सामने ये गंदगी है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। जब पार्टी ऑफिस के सामने ही इतनी गंदगी हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि पटना साफ सुथरा रहेगा। कुछ दिन पहले नगर निगम की हड़ताल भी थी जिसको लेकर पूरे पटना में गंदगी फैली हुई थी, मगर अब हड़ताल टूट चुकी है। उसके बाद भी राजद के बाहर इस तरह से गंदगी फैलना बहुत बड़ा खुद में सवाल खड़ा करती है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।